गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम प्रांशी रस्तोगी। टुडे वी आर डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग एज वी ऑल नो इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या था कि जो भी हम लोग प्लानिंग क्या होता है, डिसाइड करते हैं एडवांस में व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हाउ डू वी गो अबाउट मेकिंग अ प्लान। सिंस प्लानिंग इज एन एक्टिविटी, देयर आर सर्टन लॉजिक स्टेप फॉर एवरी मैनेजर। सबसे पहला क्या होता है प्लानिंग प्रोसेस में, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में भी सेट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव और गोल आर स्पेसिफिक व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट टू अचीव। कह रहा है ऑब्जेक्टिव और गोल जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट टू अचीव करना चाहती है, मतलब क्या चीज़ सक्सेस के लिए कैसे वर्क करना चाहती है। इट कुड मीन्स एन इंक्रीज इन सेल बाय 20% विच वुड बी ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या था कि इंक्रीमेंट हो सेल में 20%। हाउ ऑल डिपार्टमेंट वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज द प्लान दैट इज ड्रॉन अप। ऑब्जेक्ट शुड बी स्टेटेड क्लियरली। या जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्टेटेड क्लियरली होते हैं, मतलब कंप्लीट होते हैं, क्लियर होते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव सेटअप किया जाता है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट प्रोसेस क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज़ अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजक्ट्री अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर। दीज एजम्पशन आर कॉल्ड प्रीमाइसेस। Assumption are the based material upon which plan are to be drawn। कह रहा जो planning होती है वो future के लिए होती है, और future में क्या होती है, बहुत सारी uncertainties होती है, तो planner को ऐसे plan करना पड़ता है ताकि जो manager है, जो manager वो ऐसे plan करता है ताकि जो assumption हो वो futuristic point of view से होने चाहिए। assumption the base material may be in a form of forecast, existing plan और any past information about policy। या जो plan, जो based material होता है वो किस पे होता है, forecast पे होता है, existing plan पे होता है, या फिर जो past experience या past information उस पे basis पे होता है। All the manager involved in planning should be familiar with and using the same assumption। Accurate forecast therefore become essential for successful plan। जितना हम accurate forecast करेंगे उतना क्या होगा, essential होगा successful plan के लिए। Third, identifying alternative course of action। Once objective are set, assumption are made। सबसे पहले तो objective बनाया, फिर हमने assumption लिया, then the next step would be act upon them। उसी की तरह act करना जिस तरह हमने objective set किया और consumption किया, उसी according work करना है। There may be many ways to act and achieve objective। बहुत सारे ways होते हैं achievement के कि ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें। ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाई। जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। द कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी टेकन कुड बी इधर रूटीन और इनोवेटिव। क्या रहा, इनोवेटिव होना चाहिए। एन इनोवेटिव कोर्स कैन बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल्स एंड शेयरिंग देयर आइडियाज़। इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट देन मोर अल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड एंड थरली डिस्कस अबाउट अमंग द मेम्बर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। खैर बहुत सारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं प्लान अचीव करने के, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है उसी को फॉलो किया जाता है। फिर इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव एक्शन। द नेक्स्ट स्टेप इज टू वेट द अल्टरनेटिव कोर्सेज। जो भी एक्शन है उसको हम लोग वेट देते हैं। ईच कोर्स विल हैव मैनी वेरिएबल्स विच मे बी टू बी वेट अगेंस्ट ईच अदर। मतलब
कंपेरिजन किया जाता है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है. द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच प्रपोजल नीड टू बी इवेल्युएट इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव. कह रहा है जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हर एक कोर्स ऑफ एक्शन के जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन उसको देखा जाता है कि कौन से बेटर होएंगे हमारे प्लान जो हमने किया, सेटअप गोल किया, जो सेट ऑर्गेनाइजेशन का गोल है जो उसे कैसे अचीव कर लें. फिर है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. द बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट. दिस आइडियल प्लान ऑफ कोर्स वुड बी मोस्ट फिसेबल, प्रॉफिटेबल एंड विद द लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. कह रहा है ये सेलेक्ट कर लेते हैं अल्टरनेटिव है तो इवेल्युएट के फिर सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. उसमें ये देखा जाता है कि जो अल्टरनेटिव एक्शन हमने लिया वो हमारे प्रॉफिटेबल है कि नहीं और वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसमें कम है कि नहीं. मोस्ट प्लान में नॉट ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू द मैथमेटिकल एनालिसिस. इन सच केसेस सब्जेक्टिव एंड द मैनेजर एक्सपीरियंस जजमेंट एंड अ टाइम इंट्यूशंस प्ले इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सेलेक्टिंग द मोस्ट वेरिएबल अल्टरनेटिव. अगर इसमें एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉलेज, पास्ट नॉलेज, ये सब इंपॉर्टेंट होता है कोई भी अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा बेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. फिर इम्प्लीमेंट द प्लान. नेक्स्ट आता है क्या चीज़, इम्प्लीमेंट करना प्लान को कि किस तरह से हम लोग वर्क करेंगे. दिस इज़ द स्टेप वेयर अदर मैनेजियल फंक्शन also came into picture. The step is considered with putting the plan into action. किस तरह से प्लान को, जो प्लान हमने किया उसको एक्शन में लाना, डूइंग वॉट इज़ रिक्वायर्ड, क्या चीज़ हमें करना चाहिए. फिर आता लास्ट फॉलोअप एक्शन. फॉलोअप एक्शन में क्या होता है, प्लानिंग आर बींग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. कह रहा है कि जो भी हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया और एक्टिविटी परफॉर्म किया अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल से होना चाहिए. मतलब जैसे जैसे सेट किया गया है गोल, जैसे जैसे हमने सोचा था प्लान करेंगे उसी तरह अकॉर्डिंग वर्क करना है. मॉनिटरिंग द प्लान इज़ इक्वल इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड. और मॉनिटरिंग करना है कि जो प्लान हमने इक्वल इम्पॉर्टेंस दिया था वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पा रहा है कि नहीं. दीज आर द प्लानिंग प्रोसेस. थैंक यू क्लास.